बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। खबर है कि पाकिस्तान सरकार एक बार टीटीपी से शांति वार्ता शुरू कर सकती है और ये दावा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने की है। बताया ये गया कि अफगान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की की पाकिस्तान सरकार को दी गई सलाह और मौजूदा राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा स्थिति के तहत पाकिस्तान सरकार टीटीपी से शांति वार्ता शुरू कर सकती है। वहीं पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा विभाग ने भी अब पोस्टर जारी करके दावा किया है कि मई महीने में उसने कई आतंकी संगठनों के 65 आतंकियों को मार गिराया है जबकि करीब 270 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके जवाब में टीटीपी ने पोस्टर जारी करके दावा यह किया कि मई महीने में उसने पाकिस्तान सुरक्षा बल पर 76 हमले किए और 87 लोगों को मार गिराया। ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से जुड़ी एक बेहद अहम खबर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का यह दावा है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए अब तैयार है, टीटीपी से शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि इसके पहले सरकार की ओर से सीधे आतंकी करार दिया गया था लेकिन अब ये एक नई पहल। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, क्या अब ये माना जाए कि सरकार भी मान रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो हालात कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसीलिए भी अब इस तरह की कवायद, चाहे वो किसी आतंकी संगठन की ओर से कोशिश की जा रही हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तानी सरकार को ये नसीहत दी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से झगड़ा न करें, उनसे सुलह की बातचीत करें और अपने मामले को सुलझा लें, तब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेहद उत्साहित है और यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार पर बनते दबाव को देखकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि बातचीत करने के लिए कौन सी शर्तें होंगी, कौन सा मार्ग हुआ, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान तय करेगा। यानी पाकिस्तान सरकार तय नहीं करेगी। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बदले हैं और जिस तरह से वहां पर खून खराबा लगातार जारी है, उसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान सरकार आने वाले दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वार्ता करने को मजबूर होगी और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अनेक बार पाकिस्तान सरकार को सलाह दे चुके हैं। यानी पाकिस्तानी सरकार मजबूरी होगी, इसका असर क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बेहद अहम खबर आ रही है, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अपील का एक बड़ा असर देखने को मिला है। अमित शाह की अपील के बाद वहां 140 लोगों ने अवैध हथियार सरेंडर कर दिए हैं। लोगों ने यह हथियार मणिपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए और गृह मंत्री अमित शाह ने यह अपील की थी कि हथियार छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ें, शांति के मार्ग पर चलें और ऐसे में ही पूरे इलाके की, देश की तरक्की हो सकती है। और मणिपुर में ये एक बड़ा असर अमित शाह की इस अपील का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह ने जो अपील की थी उसका असर हुआ है। अपील के बाद वहां पर 140 लोगों ने अवैध हथियार सरेंडर कर दिए हैं। काफी तादाद में अवैध हथियारों को आप देख सकते हैं, लोगों ने यह हथियार मणिपुर पुलिस के सामने सरेंडर किए क्योंकि अमित शाह ने अपील भी की थी और कहा था कि उनके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अवैध हथियार रखे हुए हैं, इससे पहले की कार्यवाही हो वो यहां पर सरेंडर कर दे और उनकी अपील का असर भी यहां पर नजर आया।